नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक में गुरु जी में। दोस्तों आपको पता होगा यूपी पुलिस का दोस्तों फाइनल रिजल्ट आ चुका है और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। तो मेरी तरफ से दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई उन सभी कैंडिडेट को जिनका यहाँ पर मेडिकल टेस्ट होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको मेडिकल में क्या क्या करने वाले हैं और कौन कौन सा चेकअप होगा आपके मेडिकल टेस्ट में, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी फ्रेंड्स हैं जिनका मेडिकल टेस्ट होने वाला है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के पास, ताकि जो पूरे मेडिकल का प्रोसेस है वो समझ सकें और देख सकें कि आखिर कौन कौन से टेस्ट हैं जो आपके मेडिकली होने वाले हैं। अगर किसी ने आपको दिक्कत है तो प्लीज़ उसको सही करवा लीजिएगा। अगर थोड़ी मोटी प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाएगी, अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो फिर हो सकता है आप मेडिकल से बाहर हो जाएँ। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप पहले सतर्क रहें, सावधान रहें कि आप में क्या कमी है, इसको आप जान लीजिए। या फिर दोस्तों, क्या आप इसके इक्वेलेंट आते हैं कि नहीं, आपको मेडिकल में पास हो जाएंगे या नहीं, सब कुछ यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो जो भी फ्रेंड्स यहाँ मेडिकल टेस्ट के लिए जा रहे हैं, पूरी वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिए आप कौन कौन से टेस्ट वहाँ पे होने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपको चलते हैं सीधे वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। और जो हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को तुरंत देख के लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं कौन कौन से टेस्ट होने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखिए बात करते हैं आपका यहाँ पर नॉक नी और आर्क्ड लेग का। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो उत्तर प्रदेश पुलिस का मेडिकल टेस्ट के लिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपके तीन फिगर दिए हुए हैं, ये आपका नॉक नी का है, ये आपका नॉर्मल है, ये आपका आर्क्ड लेग है। दोस्तों जो आर्क्ड लेग है इसको हम धनुषाकार पैर बोलते हैं, जिनका दोस्तों पैर यहाँ पे धनुषाकार, देखिए ये आपका रूप जो देख रहे हैं यहाँ पे पैर का, ये धनुषाकार में है, पैर दोनों बहुत ही ज़्यादा आपके धनुष के आकार में बने हुए होते हैं, तो ये वहाँ पे दोस्तों छट जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। इसके अलावा नॉक नी भी नहीं होना चाहिए, आपके जो पैर हैं, जो उसके घुटने हैं वो आपस में सटने नहीं चाहिए, आप स्ट्रेट खड़े होते हैं तो आपके जो नॉक नी है, घुटने हैं, ये आपस में टच नहीं होने चाहिए, इसमें लगभग इतना गैप होना चाहिए जो आप देख रहे हैं। नॉर्मली यहाँ पर एकदम पूरा बैलेंस्ड होना चाहिए, आपकी जो हड्डी है अंदर पैर के, ये पूरा एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, तिरछी नहीं होनी चाहिए। इसका सुमिलित होती है, जिसका अरेंजमेंट होता है वो एक जो आपका रिक्वायरमेंट है स्ट्रेट का, तो वो स्ट्रेट ही होना चाहिए, तिरछा नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है आपके पैर के टेस्ट के लिए। आप पैर का टेस्ट होने वाला है, ये इसी तरह से होगा, आपको स्ट्रेट खड़े कर देंगे और आपका नॉक नी चेक कर लेंगे कि आपका नी यहाँ पे टकरा रहे हैं आपस में या नहीं टकरा रहे हैं, नॉर्मली ये स्ट्रेट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ये टेस्ट आपका टेस्ट नंबर वन हो गया। अब बात करते देखिए अगला आपका, ये भी पैर का टेस्ट है, ये आपका फ्लैट फुट टेस्ट है। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप खड़े होते हैं तो आपका जो पैर है, देखिए ये आपका फ्लैट है या फिर दोस्तों नॉर्मल फुट है या फिर हालो फुट है। देखिए दोस्तों, सबसे आसान तरीका इसका है कि आप मान लीजिए अपने पैर को, दोनों पैर अपने कलर में रखिए और कलर में करने के बाद आप किसी, जो आपका ब्लैंक पेज हो या फिर दोस्तों ब्लैंक अगर आपके पास फर्श है तो फर्श पे खड़े होकर देख लीजिए। अगर आपका फ्लैट फुट होगा, जिसको हम बोलते हैं फॉलन आर्च बोलते हैं, तो ये देखिए आपका इस तरह से शेप आपको प्रोवाइड करेगा आपके कलर के थ्रू, ठीक है। अगर आपका नॉर्मल फुट होगा तो देखिए ये आपका होगा, ये आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन दोस्तों ये पहला वाला और थर्ड वाला जो है ये आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। देखिए आपका ये हालो फुट है, जिसको हम बोलते हैं हाई आर्क, इसमें दोस्तों आपका जो आपका घुटना, आपका एड़ी है और पंजा है, दोनों में काफ़ी डिस्टेंस होती है। देखिए आपका ये पूरा बीच में गैप बना होता है, जो कि दोस्तों काफ़ी नुकसानदायक होता है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस के मेडिकल टेस्ट के लिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ना तो आपको पूरा फ्लैट होना चाहिए, ना ही आपका हालो फुट होना चाहिए, आपका होना चाहिए नॉर्मल फुट, जो इस तरह का सेफ आपको प्रोवाइड करेगा। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप चेक कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अगले टेस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आपका क्या है, छाती अंदर धंसी ना हो, उभरे एवं स्वस्थ मसल्स होने चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका चेस्ट है, इसका भी आपका एक्सरे करवाया जाएगा, एक्सरे के साथ साथ आपका फिजिकली यहाँ पे जांच भी की जाएगी, फिजिकली माप भी किया जाएगा, इसका मेजरमेंट किया जाएगा। यह आपका दोस्तों बहुत ज़्यादा आपका अंदर धंसा नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा उभरा होना चाहिए। किसी आपने देखा होगा एक प्रकार से कुबड़ की शिकायत हो जाती है दोस्तों, और उनकी छाती जो है तिरछा निकला होता है या फिर दोस्तों अलग अलग शेप्स में बने होते हैं, दोस्तों उसको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। जो आपकी छाती है वो बिल्कुल आपकी प्लेन होनी चाहिए, और इसके अलावा आपकी छाती दोस्तों उसका जो मेजरमेंट होना चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, उसमें कोई भी अलग से दोस्तों मसल्स का इधर उधर निकला ना हो। बहुत ही फ्लैट आपका चाहिए होता है छाती यहाँ पे देखिए, और जितना उनका रिक्वायरमेंट है आपके मेजरमेंट का उतना ही एक्यूरेट होना चाहिए। तो फ्रेंड, उससे कम होगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। आप जो भी कर रहे हैं, आपका फील्ड वर्क जो भी है, जैसे भी आप कर रहे हैं, तो इसका जो मेजरमेंट होना चाहिए उसको आप एक्यूरेट कर लीजिएगा। अब देखिए हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स के बारे में। अभ्यर्थी के सुनने की क्षमता सही होनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे हियरनेस बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के मेडिकल टेस्ट के लिए।
आपके दोस्तों सुनने की क्षमता है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। अगर आप दोस्तों ऐसा ना हो कि आपके सुनने की क्षमता कम हो तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपका बहुत ही जिम्मेदारी का पद होता है। जैसे कि आपको पता है पूरे प्रदेश को चलाने के लिए पुलिस की बहुत ही अहम भूमिका होती है आपके क्षेत्र में, तो इसलिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके जो सुनने की क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए, कोई इसमें दिक्कत ना हो। किसी भी तरह के परेशानी है, पर्दे में प्रॉब्लम है, या फिर और कोई अगर दोस्तों प्रॉब्लम है, जन्म से भी प्रॉब्लम है, तो उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पे इस मेडिकल टेस्ट में बाहर कर दिया जाता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो सुनने की क्षमता है उसको आप सुयोग्य बनाए रखिएगा, और दोस्तों इसके लिए जो भी उपयुक्त है आपके लिए उसे करिएगा, ताकि आपकी जो सुनने की क्षमता है वो बराबर बनी रहे और बराबर चलता रहे। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो फ्रेंड्स ये आपका कलर ब्लाइंडनेस है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस भर्ती के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, आपके सिग्नल जो होते हैं, मान लीजिए ग्रीन है, येलो है, या फिर आपके रेड है, तो ये सभी सिग्नल्स को पहचानने के लिए आपकी जो क्षमता है कलर, आपकी कलर विज़न की, वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपकी कभी कभी होता है कि आप जैसे मान लीजिए पुलिस में आप भर्ती हो जाते हैं, तो अगर आपको कहीं भी जाना है या फिर सिग्नल का ही फॉलो करना है, तो अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपका जो जनता है, पब्लिक है, वो कैसे फॉलो कर सकती है। तो इसलिए इस बात का बहुत ध्यान देना है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है ऐसा कुछ आपके अंदर नहीं होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस के लिए आप मेरी एक वीडियो है पहले मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, जो आपका रेलवे के लिए था, उसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस को लेकर, कैसे कैसे आपको सिग्नल को पहचानना होता है, रेड कैसे पहचानते हैं, ब्लू कैसे पहचानते हैं, ग्रीन कैसे पहचानते हैं, सब कुछ दोस्तों वहाँ पर पूरा मेंशन कर रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस कोई शिकायत अगर आपके अंदर है तो फिर दोस्तों वो तो आपका ठीक हो भी नहीं सकता है, और फिर दोस्तों यहाँ पे कोई भी ऑपरेशनल आई ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो फिर तो आपको बाहर ही होना पड़ेगा। इसलिए आप कलर परीक्षण एक बार जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए हम आगे बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका जो फिजिकल और मेंटल लेवल है ये काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, काफ़ी अच्छा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। अगर आपकी मानसिक क्षमता सही नहीं है और शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं है, तो फिर आप पहली बात तो इसमें जा ही नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस बात का ध्यान दीजिएगा। वैसे भी आप अगर फाइनल रिजल्ट तक आप पहुँचे हैं तो मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य तो गड़बड़ होने का कोई चांस होता ही नहीं है। तो इसलिए जो आपका डेली यूज चीज़ें हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा। डेली जो आप क्या खाने पीने में क्या ले रहे हैं, कैसे आपको कौन सा प्रोटीन युक्त है, कौन सा विदाउट प्रोटीन है, इस बात को आपको ध्यान देना है। प्रोटीन युक्त चीज़ें ही ले, विटामिन जो भरपूर हो वही ले, ताकि आपके जो मानसिक और शारीरिक क्षमता है उसमें और विकास हो सके। आपके मेडिकल टेस्ट में आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगी। अब देखिए हम आगे बात करते हैं, आँखें थोड़े से प्रकाश में चकाचौंध ना होती हों। जी फ्रेंड्स, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको नाइट में अगर ड्राइव करना हुआ या फिर नाइट में कहीं जाना हुआ, तो वो सडनली कोई लाइट पड़ती है दोस्तों, या फिर कोई अगर तेज प्रकाश की लाइटें हैं तो उसमें उनकी आंखें बहुत जल्दी चकाचौंध हो जाती हैं, वो उसे देख नहीं पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। चकाचौंध आंखें होने से वो आगे कार्य नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी भी आंखें नहीं चाहिए उनको। आंखें ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ही नॉर्मली हो, और मामूली अगर नाइट में भी आपको ड्यूटी करनी है या फिर डे में ड्यूटी करनी है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों 24 घंटे की ड्यूटी होती है, इसमें नाइट और डे से कोई मतलब नहीं होता है, कभी भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। तो इसलिए ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मेडिकल टेस्ट के लिए, जो यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके मेडिकल एग्जाम के लिए। अब बात करेंगे अगले पॉइंट के लिए। देखिए यहाँ पे ब्लड टेस्ट और आपका ब्लड प्रेशर टेस्ट होता है और फिर यूरिन टेस्ट होता है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके मेडिकल टेस्ट के लिए, जो कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस में 49,568 भर्ती वाले सभी कैंडिडेट्स के लिए जो आपका मेडिकल टेस्ट होने जा रहा है वहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं बताता हूँ ब्लड प्रेशर में क्या होता है। दोस्तों पहले तो आपका ब्लड यहाँ पे निकाला जाता था, लेकिन दोस्तों अब ऐसी काफ़ी टेक्निक्स आ चुकी हैं जिसमें बहुत ही ईजिली ब्लड प्रेशर टेस्ट आपका हो जाता है। ब्लड प्रेशर टेस्ट के साथ साथ ब्लड टेस्ट भी यहाँ पे किया जाएगा। आपके दोस्तों हाथ की उंगलियों में एक पिन चुभो देंगे, और पिन चुभोने के बाद आपका जो ब्लड निकलेगा तुरंत वहाँ पे दोस्तों लगा के मीटर को, और तुरंत वो मेजरमेंट कर लेंगे। पूरा जो आपका ब्लड का सैंपल है उसको आप नहीं लेते हैं, बहुत ही ईजिली यहाँ ब्लड टेस्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बस एक हल्का पिन की तरह आपको लगेगा और दोस्तों यहाँ से ब्लड टेस्ट आपका हो जाएगा। और ब्लड टेस्ट करने के बाद दोस्तों उस ब्लड में पूरी रिपोर्ट आपकी आती है, हीमोग्लोबिन कितना है, शुगर है या नहीं है, ये सब टेस्ट उसके थ्रू दोस्तों का हो जाता है। तो ब्लड से आपका ब्लड टेस्ट में यहाँ पे सारे रिपोर्ट्स क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा बचता है आपका दोस्तों यूरिन टेस्ट, जिसका कुछ टेस्ट उससे भी हो जाते हैं, मान लीजिए शुगर टेस्ट है या फिर दोस्तों और भी टेस्ट हैं यूरिन में, कई चीज़ें होती हैं, तो वो सब टेस्ट आपके जो यूरिन टेस्ट हो जाएंगे, आपका यूरिन ले लिया जाएगा वहाँ पे, और आपके लगभग 4 से 6 घंटे में रिपोर्ट वहाँ पे तैयार किए जाते हैं। किसी किसी में आपका 1 डे में ही हो जाता है, किसी के साथ 3-4 दिन ले लेते हैं अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, तो आपका यहाँ पे टाइम लग जाता है टेस्ट करने में। तो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट भी काफ़ी दोस्तों ईजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों आपके मेडिकल एग्ज़ाम के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर,
दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पे जा रहे हैं मेडिकल टेस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स ये चीज़ है कि आप दोस्त देखिए मेडिकल जो एग्ज़ाम आपका है कोई भी स्ट्रेस फील ना कीजिएगा, बहुत ही नॉर्मल विदाउट एनी प्रेशर आराम से जाइएगा मेडिकल टेस्ट के लिए, ताकि आपका जो हार्ट बीट है वो कंट्रोल रहे, नॉर्मल रहे। इसके अलावा आप जगह जो ब्लड प्रेशर है बीपी दोस्तों डिपेंड करता है आपके सोचने और समझने की क्षमता पर, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। बीपी टेस्ट करवाने से पहले आपके दिमाग में फालतू कोई चीज़ ना चल रही हो कि मैं सेलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा, कहीं बाहर ना हो जाऊं, किसी चीज़ में दिक्कत ना हो जाए। तो फ्रेंड्स ये सब दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा, एकदम फ्रेश मूड होकर जाइएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो आपके यहाँ पर मेडिकल टेस्ट में। दोस्तों फ्रेश माइंड में जाना ही आपका सबसे बड़ा डिपेंड करता है मेडिकल टेस्ट के लिए, और ये शो करता है आपके मेंटल और फिजिकल एबिलिटी को कि आपका मानसिक और शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसकी क्षमता जो है वो कितना है। तो इसलिए कोई भी टेंशन में दोस्तों नहीं लेना है यहाँ पे, आपको एकदम फ्रेश मूड में फ्रेश माइंड होके ही आपको मेडिकल टेस्ट के लिए जाना है, तभी आप यहाँ पे मेडिकल जो टेस्ट होने वाला है वो क्लियर कर पाएंगे, इस बात का आपको ध्यान देना है। और दोस्तों इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ सभी का यहाँ पे रिप्लाई करने का। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अपडेट नई जानकारी के साथ, हमारे साथ बने रहिएगा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।